अपर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार के नियंत्रण कक्ष में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जनपद में हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। साथ ही जिले में अपराधों की समीक्षा की गई, जिसमें आला अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने कहा कि जिले में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को तैयार रहना होगा। वहीं जनपद में सक्रिय हो रहे बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए गुंडा एक्ट के साथ कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आज हमने जनपद हरिद्वार की अपराध और कानून व्यवस्था की और यातायात और CPO की समीक्षा बैठक ली है, और हमने निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, उनको जो बड़े अपराध करते हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, और उनकी जो लोग उनकी जमानतें ले रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, उनकी जमानतें तुड़वाई जाएं, और जो गैंगस्टर के थ्रू अपराध के थ्रू जिन लोगों ने संपत्ति अर्जित की है उसको जब्त कराया जाए। तो हमारा ये प्रयास होगा कि अगले 2 महीने में ये सारे काम हो जाए। फिर एक निर्णय लिया है कि जो लोग मोहल्ले में गुंडागर्दी करते हैं, आवारागर्दी करते हैं, लोगों पे जबरदस्ती पिटाई करते हैं या लड़कियों से छेड़खानी करते हैं, तो इन सब के विरुद्ध गुंडा एक्ट में उनको जिला बदर कराया जाए। एक हमने डायरेक्शन दिया है कि थानों पर हिस्ट्री शीटर्स को की परेड कराई जाए, थानों के पे बुला बुला करके उनका वेरिफिकेशन करके, और जिससे ये सुनिश्चित किया जाए कि वो क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है, तो और नए अपराधी जो बन रहे हैं उनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। तो इतना हमने अपराध के विरुद्ध जो है अपना वो निर्देश दिया। अपनी हिस्ट्री शीट के जो है हम वेरिफिकेशन जब उनका कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसने कितने साल से वो सक्रिय है या निष्क्रिय है। अगर वो अपराध की जगत से छूट जाता है 5 साल 10 साल तक लगातार, फिर उसकी निगरानी बंद कर देते हैं, तो वो भी हम इसमें देखेंगे कि अगर किसी की हिस्ट्री शीट बंद करने की ज़रूरत है तो बंद की जाएगी, नहीं खोलने की जरूरत है नहीं खोली जाएगी, और कोई अपराध में सक्रिय है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक को CPO में लेके हमने उनकी जिम्मेदारी बढ़ाई है, उनसे बात किया है कि भाई हम चालान जो कर रहे हैं तो चालान एक पर्पज से कर रहे हैं, हमारा पर्पज ट्रैफिक को सुधारना है, हमारा पर्पज खाली चालान नहीं है, चालान एक माध्यम है, तो हम ट्रैफिक में सुधार लाएंगे, और अगर कहीं किसी एरियाज में ज़्यादा समस्या आ रही है और बार बार जाम लग रहा है तो फिर उस वहाँ के जो CPO कर्मी की ट्रैफिक कर्मी की जिम्मेदारी भी फिक्स करेंगे, उसके विरुद्ध कार्रवाई।